पीछे साइड डुग्गू लगाएगा शैम्पू, इसको डालते हैं सब में। देखते इस कर रही है, अरे साबुन तो धो लो। अरे 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 ऐसा खड़ा हो गया, किसको देख रहा है ऊपर। अभी चल रहा है यहाँ पे पेड़ कटिंग, डुग्गू भी जा रहा है हमारे साथ घर। इज्जा तो ले लिए, अनिमा और दीपिका का डिमांड था। हाँ सबको एक एक पीस है, ठीक है। हाँ सब तरफ डालो, नहीं तो रोएगी रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा मतलब ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का समय है, सुबह के लगभग अभी 10 बज रहे हैं और नहा धो के अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी लेडीज कॉर्नर इसको फिटिंग कराने के लिए। आज के दिन जाने के लिए बोला गया था इसलिए, और सवेरे सवेरे मैं इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि 11 बजे से मेरा क्लास है, तो अभी ही बज चुके हैं 10, मुझे वापस भी आना है 11 बजे तक। मैं अभी स्कूटी से ही जाने वाली हूँ, तो ये रह गया स्कूटी का चाबी। स्कूटी तो कवर किया हुआ है, इसको अभी हटाते हैं। और पूरा मस्त अभी धूप दे रहा है, देखिए आज का मौसम जो है पूरा साफ है। पहले खोल लेते हैं गेट को क्योंकि ताला लॉक किया हुआ है। कल मैं यहीं पे हेलमेट को छोड़ के गई थी, अभी मैं अकेले ही जाने वाली हूँ लेडीज कॉर्नर क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा काम है तो वो नहीं जा रहे हैं, मैं अकेले ही जा रही हूँ। जो कपड़ा फिटिंग कराना है हमको उसको यहाँ पे रख देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। लेडीज कॉर्नर तो मैं पहुंच गई, अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अगर वो खाली रहेंगी तो जल्दी से ही हो जाएगा और अगर उनके पास और भी काम रहेगा तो थोड़ा लेट हो सकता है। अभी देखते हैं कि कितना लेट लगता है मेरा कपड़ा फिटिंग कराने में। लेडीज कॉर्नर से आने के बाद मैं लंच कर ली थी और अभी हो गया है मेरा क्लास स्टार्ट। इधर हो रहा है अभी क्लास तो मैं कर ली, मेरा क्लास अभी खत्म हो गया है। और ये रहा डुग्गू का तौलिया, अभी डुग्गू नहाने वाला है और डुग्गू को अभी घर के बाहर ही नहा देंगे। बाहर में अच्छा धूप दे रहा है तो इसको भी नहाने में मजा आएगा और हम लोग अभी नहा देंगे इसको कटहल पेड़ के नीचे। सब तरफ भिंग गया पीछे साइड। हाँ अब डुग्गू लगाएगा शैम्पू, ये रह गया डब शैम्पू, डुग्गू के ऊपर लगाते हैं। डुग्गू को तो शैम्पू लगा दिए हैं और डब शैम्पू है इसीलिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और इसका बाल भी व्हाइट व्हाइट है। काफी दिन हो गया इसको नहला देते हुए, अब डुग्गू छोटा दिखने लग गया, इसका पंख सब सारा भींग गया मतलब बाल सब। डुग्गू को तो सब तरफ से शैम्पू लगा दिए हैं, अभी इसको डालते हैं सब में। देखते हैं इस कर रही है, अरे भाग रहा। रुको रुको रुको, डुग्गू 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 पहले साफ हो लो, साबुन तो धो लो। अरे 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 पानी से डर रहा है लगता है, बहुत मेहनत के बाद ये आराम से बैठ गया है तो इसको धीरे धीरे पानी डालते हैं इसका शरीर में वरना फिर से उठ के भाग जाएगा। तेरा कान ऊपर, ठीक है। अरे ऐसा खड़ा हो गया, किसको देख रहा है ऊपर सूरज। अब तेरा बाल को साफ कर देते हैं तो रिया से पहुंच देते हैं। दोनों पैर को उठा के ऐसा खड़ा हो गया है इसका तौलिया व्हाइट एंड रेड से। इसका बाल सबको पहले पोंछ देते हैं उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारे बगान में एक छोटा सा गुलाब खिल गया है, एकदम रेडी रेड और छोटू सा है। ये पूरा अच्छे से खिला नहीं है, कल ही है और केवल एक ही पौधा है अभी तो। और भी पौधा था इधर बट वो सब अभी तो नहीं दिख रहा है, केवल यही दिख रहा है इसमें खिला हुआ है और बाकी सब कुछ कुछ तो मर गया, एक दो पौधा केवल एक ही बचा हुआ है अभी। डुग्गू को नहला देने के बाद उसको मैं छोड़ दी थी तो वो भाग के सीधा आ गया है यहाँ पे इस पौधा के नीचे में। ये बड़ा सा पौधा है तो यहाँ पे थोड़ा सा छिपने का जगह हो गया है इसके लिए। अगल बगल में कुछ कुछ घास भी है तो अंदर में छिप के बैठ जाता है। अभी ये खुद को साफ कर रहा है, देखिए सारा पानी सब निकाल रहा है बालों से, व्यस्त है काम में अभी ये। कुछ टाइम तो डुग्गू को धूप में छोड़ दिए थे और इसका तौलिया जो भीगा हुआ था इसको भी सूखने के लिए दे दिए थे इसका पिंजरा के ऊपर में, जो कि हल्का फुल्का सूख गया है। काफी तेज धूप है ना, तुरंत सूख जा रहा है और देख के लग रहा है कि इसका बालों का भी अभी सारा पानी निकल गया है तो इसको घर लेके चलते हैं। चलो अभी हो चुकी है शाम और शाम के अभी लगभग 3 बज रहे हैं और हम लोग हो चुके हैं रेडी घर जाने के लिए। इधर गेट तो लॉक कर दिए हैं और अब बस बाहर वाला गेट को लॉक करना है। ये रह गया ताला चाबी, इसको भी अभी लॉक कर देते हैं। घर से तो निकल गए हैं और इधर चल रहा है अभी डिवाइडर वाला काम। हम लोग के साइड तो हो गया है, इधर साइड कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे साइड हो गया है लेकिन बीच में छूट गया था तो उसको कंप्लीट किया जा रहा है। रास्ता चौड़ा बन रहा है इसीलिए पेड़ कटाई हो रहा है, इतना मोटा सा पेड़ को काटा जा रहा है मशीन के द्वारा। और इधर एक ट्रक है जिसमें लकड़ी लोड हो रहा है। डुग्गू भी अभी हम लोग के साथ घर जा रहा है, उसको अकेले नहीं छोड़ दिए घर में ही, पीछे सीट में इसका पिंजरा रख दिए हैं तो आराम से बैठ गया है। घर जाने से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा अभी डोमिनोज क्योंकि हम लोग को पिज्जा ले जाना है अनिमा और दीपिका के लिए। उन लोग को पिज्जा खाने का भूत सवार हो गया है, पिज्जा खाना है उन लोग को। ये रह गया न्यूक्लियस मॉल, देखिए कितना बड़ा सा है। और इस जगह हम लोग की गाड़ी रुक गई थी, अभी तो ट्रैफिक हट गया, पूरा ट्रैफिक हो गया था इस जगह
अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से पिज्जा ले लेते हैं। पिज्जा तो ले लिए, अनिमा और दीपिका का डिमांड था, उनका कहना था जब आप आओगी तब पिज्जा लेते ला देना, इसलिए उन दोनों के लिए पिज्जा ले लिए हैं। अब तो लगता है कि एकदम रात में ही घर पहुंचेंगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक है यहाँ पे कि रांची से ही निकलना मुश्किल हो रहा है। अब पता नहीं कितना लेट में घर पहुंचेंगे, और अब तो भूख भी लगने लग रहा है। मैं 11 बजे से पहले ही लंच कर ली थी, इसीलिए इतना भूख लग रहा था। और अभी ले लिए हैं चाउमीन, इसको खा लेते हैं पहले, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लुआडी चौक, और देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ है। यहाँ का रेस्टोरेंट सब जो है उस सब में पूरा भीड़ लगा हुआ है लड्डू लेने के लिए, क्योंकि कितनी सारी औरत लोग गई हुई है लड्डू लेने। और यहाँ पे इतना भीड़ होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ का रास्ता के किनारे किनारे ना बस राखी का शॉप ही खुला हुआ है, सब जगह जो है राखी ही देखने को मिल रहा है, और लगता है मार्केट भी लगा हुआ है, इसलिए इतना भीड़ हो गया है यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल से अभी ट्रैफिक से निकले, और अभी तो भीड़ भाड़ एरिया ख़त्म हो गया, अब सिंपल रास्ता मिलेगा, इतना भीड़ नहीं मिलेगा, जल्दी से अब घर पहुंच पाएंगे। पेट्रोल पंप मिल गया है तो थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि घर जाना है फिर वापस भी तो आना है, ऐसा ना हो कि आधा रास्ता में तेल ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा ना हो इसीलिए पहले अभी पेट्रोल ले लेते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। जाते जाते हम लोग का अभी रात हो गया है, और देखिए चांद कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही पूरा गोल ही गोल दिख रहा है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बुंडू का टोल प्लाजा, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है इसीलिए इधर ना बस ट्रक ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा गाड़ी सब तो अभी रात में नहीं रहता है इतना, विशेषकर अभी इधर ट्रक वगैरह सभी रहता है। गुगू भी अभी बैठा हुआ है आराम से मेरा गोदी में। बुंडू तो हम लोग पहुंच गए, और यहाँ पे थोड़ा सा रुक लिए हैं क्योंकि सामने में एटीएम है, और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं एटीएम कुछ कैश निकालने के लिए। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और इन लोग ओपन कर रही है पिज्जा, चलो खोलो खोलो। कहाँ भाग रहा है? इधर आ, पहले उसको डालेगी तो ना। हाँ तुम शर्माता है क्या? नहीं शर्माता है ना। हाँ सबको एक एक पीस है, ठीक है। हाँ चलो तुम उसको खोलो बाबू। हाँ सब तरफ डालो, सब तरफ डालो, नहीं तो रोएगी रे। हाँ सब तरफ मिक्स करो, हो गया। कोई चम्मच देंगे काटने के लिए? नहीं वो ऑलरेडी कटा हुआ है। हाँ चलो एक एक पीस हटाओ तो। रुको रुको, इसको पहले दे लो रे। हाँ बाबू को हटाने सक रही है कि नहीं सक रही है? अब सबको खा के बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है? झाल लगेगा रे, छोड़ा लो। बाबू कैसा लग रहा है खा के? झाल नमक वाला, नमक सा। अच्छा उसको झाड़ लो थोड़ा सा। जो झाड़ रहे दीपिका, कैसा लग रहा है खा के? टेस्टी लग रहा है। अभी तो हम लोग का यहाँ पे लाइट कट गया है इसीलिए अंधेरा हो गया थोड़ा सा, और इन लोग पिज्जा का आनंद ले रही है। कर अभी आ गया हम लोग का लाइट, तो इन लोग का खुशी देखिए। टीवी चला, टीवी चला, और मम्मी ला दी है यहाँ पे मटन। क्या है? पांजरा। पांजरा किसको बोलते हैं? इसको पंजड़ा बोलते हैं। बता नहीं है मुझे। तो तुम नामकरण क्यों कर रही है जब जानती नहीं है? इसको क्या बोलते हैं बाबू? कभी कभी पंजड़ा, हम किसी चीज को पंजड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पंजड़ा। पंजड़ा ही बोलते हैं। मेरे मायके में तो सभी से मैं मिल ली, और अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।